नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीकेडी के एकेडमी में। फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं थर्ड शिफ्ट का पेपर, 28 सितंबर 2018 का थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, महिला विकास मंत्री के बारे में पूछा था। तो महिला विकास मंत्री कौन है इस समय? तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स, मेनका गांधी। ठीक है, मेनका गांधी जो है तो इस समय महिला विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स, गोवर्धन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो गोवर्धन योजना जो है तो हरियाणा में। इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स, किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई पूछा था, तो किडनी की इकाई जो है तो नेफ्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि जंतु जगत में सबसे अधिक जंतु कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है, जंतु जगत में सबसे अधिक जंतु कहाँ पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है अभ्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है धातु तथा अधातु की तरह व्यवहार कौन करता है? तो ये ऑप्शन पर आधारित था फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, धातु तथा अधातु की तरह व्यवहार कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड सेकेंड थर्ड शिफ्ट के पेपर, ठीक है ना, 28 सितंबर थर्ड शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रीजनिंग से आया था कि 4, 9, 16 और 25, 36 या 49, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 49। फ्रेंड्स ये 49 कैसे आएगा? देखिए, 2, 4 जो है तो 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का है, और 16 है तो 4 का, और 25 है तो 5 का, 36 है तो 6 का। तो मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49, इसका राइट आंसर 49। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह के भी क्वेश्चन आ चुका है कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो उसमें से 23 जोड़ी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था रीजनिंग से था कि गीता का पति राम, राम का पुत्र मोहन और मोहन का पुत्र हरीश है, तो गीता हरीश की क्या है? तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स, दादी। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको लगा करके थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न की धनराशि कितनी मिलती है? तो कितना मिलता है फ्रेंड्स? 7,50,000। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 31, 38, 44, तो इसके बाद क्या आएगा? 49। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ कौन है? तो इंदु भूषण जी है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? इंदु भूषण। तो फ्रेंड्स, सीईओ की हमने एक वीडियो अलग से बनाई है, उसमें हर कंपनी के बारे में बताया, हर कंपनी के सीईओ कौन है ना, और ब्रांड एम्बेसडर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ब्रांड एम्बेसडर का भी हमने वीडियो एक अलग से बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, 3600 का 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 216। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी हल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बल्ब का तंतु बना होता है, तो बल्ब का तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन एक स्टील का प्रकार होता है फ्रेंड्स, जो कि पिघलता नहीं है इतना जल्दी, इसीलिए उसमें बल्ब के तंतु में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि RAM राम को क्या लिखते हैं? IZN। इसी प्रकार सीता को क्या लिखेंगे? इसके आंसर है HRGZ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे आया, आप इसको थोड़ा अपने रफ पेन लगा ले करके उससे थोड़ी सी लगाइए कैसे आया। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज थर्ड शिफ्ट 28 सितंबर थर्ड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आई हो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी आज थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम के लेवल को देख पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।